जी ये सवाल था किसी का जी कि आई हैव अ पेंडिंग असाइलम एप्लीकेशन फॉर 2 years, कैन आई मैरी समवन इन EU नेशनल है या जो भी है वो, ये इस तरह का सवाल है। देखिए जो कोई भी असाइलम सीकर जो है जिनका केस जो है वो पेंडिंग होता है, जिसका केस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ हुआ, तो उसमें वो चाह रहे होते हैं कि अगर हम शादी कर लें तो क्या हमें यहाँ पे शादी कर सकते हैं या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि लॉ में, इमिग्रेशन लॉज में कहीं पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि असाइलम सीकर को जो है जिनका केस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ हुआ उनको मना किया जाए कि जी कि आप शादी जो है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो 2014 का जो एक्ट आया था उसमें एक रेफरल एंड इन्वेस्टिगेशन का जो सेक्शन था वो ऐड किया गया था, और जिसका मकसद ये था कि जो नॉन ईए नेशनल होते हैं, जिनके पास जो यूरोपियन नहीं है या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से या किसी भी जगह से आते हैं, जिनको एक्चुअल सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन जो कंट्रोल होता है, जो जिनको वीजा चाहिए होता है बेसिकली, ये उनके हवाले से है, तो क्या वो यहाँ पे यूके में जो शादी कर रहे हैं वो शैम मैरिज में तो नहीं आती, क्या वो जाली शादी तो नहीं कर रहे हैं जिसको पेपर मैरिज कहा जाता है, या इस किस्म के जो वो वीजा लेने की वजह से तो वो शादी नहीं कर रहे। तो उनके लिए ये कहा गया था कि अगर कोई भी शख्स जो है वो शादी करना चाहता है या मैरिज या सिविल पार्टनरशिप जो करना चाहता है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड ये है कि उसको अपने लोकल जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उस वहां पे मिनिमम 28 डेज पहले जो है वो गिव अ नोटिस, जिसको कहा गया कि वो नोटिस वहां पे दें, और वहां उनको वो फिर वो रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो उनकी चेकिंग करेगा कि जी के क्या ये जो फ्रॉड की शादी तो नहीं है, ये जेन्युइन है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 जो है इमिग्रेशन एंड असाइलम एक्ट 1999 जो है वो बेसिकली उसके बाद उसको अमेंड किया गया था, जो कि इमिग्रेशन एक्ट 2014 का जो आ जाता है उसके मुताबिक भी ये है कि जी के ये शादी जो है जेन्युइन है अगर, तो फिर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन जो क्या वीजा वो चेंज होता है या नहीं होता, वो अलग बातें हैं, वो चीजें और तरफ निकल आती हैं कि जी के वो स्पाउस हैं या अभी तक आपका केस डिसाइड नहीं हुआ या अभी अब उनकी इनकम कितनी है, वो चीजें डिफरेंट एंगल में आ जाती हैं। उसके लिए बेटर यही होता है कि अगर आपके कोई इस तरह के इश्यूज हैं तो आप डिस्कस कीजिए, अपना केस के लिए प्रॉपर जो है वो एडवाइस लीजिए। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि क्या असाइलम सीकर जो है पेंडिंग केस के साथ शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो बिल्कुल कर सकता है जी। दो में याद रखिएगा, टेक केयर, खुदा हाफिज़।